सबको आज़ादी है अपनी बात रखने का, संघर्ष करने का, आंदोलन करने का, लेकिन थोड़ा दंगाई और लंपटाई कोई सड़क पर करे तो कानून को स्थापित रखना शासन का कर्तव्य हो जाता है। कोई शांति भंग करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून चुप नहीं बैठेगा। जो लोग कह रहे हैं कि चोट लगी है तो आप कानून को तोड़ेंगे तो कानून चीज़ों को नियंत्रित करेगी। डबाला चौराहे पर बीजेपी नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, ये दावा किया जा रहा है। अब राष्ट्रीय जनता दल ये कह रही है कि हमने कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए यह काम किया है, किसी तरीके से कानून तोड़कर कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो केवल बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही थे, कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी उस भीड़ में शामिल नहीं था। जाहिर सी बात है कि बिहार में शिक्षकों के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी का विधानसभा घेराव था गांधी मैदान से, लेकिन जैसे ही बीजेपी का जो जुलूस था, जो हुजूम था, डगमगा चौराहे पर पहुंचा, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, रोकने के दौरान लाठियां चलाया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। और अब सत्तारूढ़ दल का दावा है कि आंसू गैस के जो गोले दागे गए हैं वो बिल्कुल वाजिब हुई थी। यहाँ तो बिल्कुल जनतंत्र और लोकतंत्र को साफ बिहार के स्तर पर ख़त्म किया जा रहा है और यहाँ की जनता देख रही है। हम लोग पब्लिक के सामने हैं, बीच में अभी वहाँ पर लाठी चली, मैं वहीं पे था, वहाँ से भी आ रहा हूँ, फिर हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम लोग मार्च के पीछे नहीं हटेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे बिहार की जनता को कि देखिए निकम्मी सरकार क्या कर रही है। लाठी चार्ज में हम विश्वास नहीं रखते, लेकिन भाजपा की जो हुड़दंगई और लंपटई सड़कों पर दिखी, यह आंदोलनकारी का स्वरूप नहीं हो सकता है। आपको रूट लाइन पहले से मिला हुआ था, रूट लाइन का वायलेशन आपने किया, जो मार्केटिंग की गई थी उससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। आपने पुलिस पर लाठी चलाई, आपने पुलिस को जबरन उनको अपने कर्तव्य से अलग रहने का लगातार कोशिश किया, आंसू गैस के गोले छोड़ करके नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पर हमलावर हो गए लोग। ये हुड़दंगई है, ये लंपटई है। लंपटई राजनीति में नहीं, राजनीति विमर्श का जगह है। कार्यक्रम होते हैं बिल्कुल सात्विक तरीके से होते हैं, शांति तरीके से होते हैं। इनका मार्च शांतिपूर्ण नहीं था, ये अशांति फैला रहे थे सड़कों पर, तो नियंत्रण करना भी शासन का कर्तव्य है। आरोप भारतीय जनता पार्टी प्लांट करती है, जाके देखिए जाकर के उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो सब कुछ स्मूथली चलता है। सबको आज़ादी है अपनी बात रखने का, संघर्ष करने का, आंदोलन करने का, लेकिन थोड़ा दंगाई और लंपटई कोई सड़क पर करे तो कानून को स्थापित रखना शासन का कर्तव्य हो जाता है। लाठी में मेरी कोई आस्था नहीं, मेरी आस्था है शांति में, लेकिन कोई शांति भंग करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून चुप नहीं बैठेगा। कि हम कोई हिंसा की राजनीति में, लाठी की राजनीति में हम विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो शांतिपूर्ण मार्च का जो लाइन आपको रेखांकित की गई थी शासन के द्वारा कि इस रूट से आपको जाना है, आपने रूट को बदला, बलात् जबरन आपने हुड़दंगई की, लंपटई की सड़कों पर, तो शासन का कर्तव्य है कि हम लाइन ऑर्डर को भी कंट्रोल रखें। आंसू गैस के गोले छोड़ कर करके नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के गुंडई प्रवृत्ति के लोगों ने जिस तरह से पुलिस बल के साथ बदसलूकियाँ की, डंडे का प्रहार किया, तो लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करना पुलिस का भी कर्तव्य बन जाता है। तो कर्तव्यों का निर्वहन किया गया, और कर्तव्य का निर्वहन कल नहीं होता तो कल आप कहते कि पुलिस कर क्या रही थी, तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। और जो लोग चोट की बात करते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि चोट लगी है तो आप कानून को तोड़ेंगे तो कानून चीज़ों को नियंत्रित करेगी। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कैसे है? शिक्षक थे ही कहाँ, सब तो बेचारे पढ़ा रहे हैं स्कूल में, ये तो भाजपा के हुड़दंग ये लोग हैं, उसमें शिक्षक कहीं दिखे ही नहीं बेचारे। वो तो हमारे बिहार के लोग हैं, हमारे लोग हैं, इस तरह के हिंसा में, इस तरह के तोड़फोड़ में, इस तरह के हुड़दंगई में शिक्षक कभी विश्वास ही नहीं रखते।